तो सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऐसे करता दोस्तों, आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। एंड सो फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आ चुका था दोस्तों। इस वाले वीडियो हम लोग किस टॉपिक को बात करने वाले, एंड सो आप लोग तो थंबनेल देख चुके होंगे। तो दोस्तों इस वाले वीडियो हम लोग करने वाले ऑटोडेस्क स्केच बुक को प्रॉब्लम को एंड सॉल्व। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने ऑटोडेस्क स्केच बुक को ओपन करते होंगे तो देन कुछ इस टाइप का आप लोग को स्क्रीन पर इंटरफेस आ जाता होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे कैसे बहुत ही सिस्टम में सॉल्व करेंगे, एंड सो आप लोग अपने फोटो को एडिटिंग करके स्केच बुक में शेयर करते होंगे। तो दोस्तों फिर आप लोग को देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता होगा, एंड आप लोग फेस को स्मूथ नहीं कर पाते होंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे कैसे बहुत ही सिस्टम में सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बट यह वीडियो अगर आप लोग को फुल्ली वॉच करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिए तो दोस्तों आप लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी स्टेप में से सॉल्व कर लेंगे, अभी दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप में। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। बट दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड बेल आइकन प्रेस ऑल जरूर करिएगा, मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके वीडियो जा सके। तो दोस्तों हम लोग जैसे मैं एक फोटो का ले लूँगा, दोस्तों देखिए दोस्तों जैसे मैं एक फोटो का ले लिया, एंड दोस्तों हम लोग इस फेस को स्मूथ करने के लिए हम एक फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इस फोटो को हम लोग को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर फेस को स्मूथ करने के लिए। तो दोस्तों जैसे मैं शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लिया, एंड सो आप लोग क्लिक करते होंगे एंड अपने फोटो को शेयर करते होंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, जैसे एडिटिंग करते होंगे एंड शेयर करते होंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर फेस को स्मूथ करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग को ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलता होगा। दोस्तों आप लोग अपने फेस को स्मूथ करने के लिए फोटो को शेयर करते होंगे तो दोस्तों आप लोग को एक दिन कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता होगा ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो दोस्तों आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एंड दोस्तों बहुत ही इजीस्ट में इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो दोस्तों आप लोग को बढ़िया वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड सो आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप है ना। तो दोस्तों आप लोग ये 3 स्टेप कैसे पार करना होगा, एंड सो फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, देखिए ये पिक्चर है ना, एंड सो आप लोग इस पिक्चर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, देखिए ये कंटिन्यू है ना दोस्तों, आप लोग इस कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, एंड सो क्लिक करना है दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देखिए आएंगे, एंड सो हम इसमें पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे देखिए दोस्तों, एंड सो आप लोग अपने पिक्चर को सिलेक्ट करिएगा दोस्तों, एंड सो पिक्चर का हम लोग कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे देखिए दोस्तों। हाँ यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पिक्चर है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पिक्चर, एंड सो आप लोग भी अपने फोन में एंड प्रोफाइल में देखिएगा पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों आप लोग के पास। तो दोस्तों आप लोग इस पिक्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, एंड सो क्लिक करें तो आप लोग को यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, देखिए लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यूज दिस फोल्डर वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लेना है, एंड सो क्लिक करें तो आप लोग को यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन है मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग अलाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, एंड सो क्लिक करके दोस्तों आप लोग इसे अलाउ कर लेंगे, एंड सो अलाउ करने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, एंड सो आप लोग फिर से कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एंड सो क्लिक करने से आप लोग देन कुछ इस टाइप से इसे भी स्क्रॉल करेंगे, एंड सो थोड़ा दोस्तों इसे बैक आ जाएंगे, एंड सो बैक आने दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देखो आप लोग को क्या खोजना है, तो अपने फोल्डर में आप लोग को स्क्रेच बुक गैलरी खोजना है, देखिए दोस्तों आप लोग को प्रोफाइल में स्क्रेच बुक गैलरी खोजना है, एंड सो आप लोग स्क्रेच बुक गैलरी फर्स्ट में नहीं आएगा आज जब तक आप लोग पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे, एंड अलाउ नहीं करेंगे दोस्तों आप लोग को स्क्रेच बुक गैलरी नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग को फर्स्ट में ये वाला ऑप्शन को आप लोग इसे फॉलो करना होगा, फर्स्ट में आप लोग को ये वाला ऑप्शन को फॉलो करना है, एंड उससे कंटिन्यू करना है, एंड सो फिर से आप लोग को यहाँ पे स्केच बुक गैलरी का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों आप लोग को फिर से कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, एंड सो आप लोग को फिर से खोजना है स्केच बुक गैलरी, तो दोस्तों आप लोग स्केच बुक गैलरी खोजना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्केच बुक गैलरी है ना, एंड सो आप लोग इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों हम लोग इसे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एंड सो फिर से इसे पे क्लिक करेंगे, यूज दिस फोल्डर है ना, एंड इस वाला ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे, एंड इसे भी हम लोग अलाउ कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग जब तक इसे पिक्चर को सिलेक्ट कर नहीं करेंगे तो दोस्तों आप लोग का यहाँ स्केच बुक गैलरी नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर से हम लोग इसे अलाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसे अलाउ कर लेंगे, एंड सो अलाउ करना, देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे अलाउ हो रहा है दोस्तों, एंड देखिए दोस्तों स्केच बुक यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यू हो गया, एंड सो फिर से हम लोग कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम लोग ओपन कर लेंगे, एंड सो इसे हम लोग देखिए दोस्तों अब फिर से हम लोग यहाँ से यहाँ ऊपर में कट का एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ कट का ऑप्शन है ना, एंड सो हम लोग इस कट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम लोग कट कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखिए स्केच बुक के अंदर कोई भी अब इंटरफेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, एंड सो हम लोग को बहुत ही इजी स्टेप से सॉल्व कर चुके हैं, एंड सो हम लोग यहाँ से फोटो को ऐड करके फेस को स्मूथ कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से फोटो को यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से फोटो का आप लोग शेयर करके एंड अपने फेस को आप स्मूथ और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, देखिए दोस्तों एंड हम लोग ऑटो स्केच बुक के अंदर हम लोग फोटो को शेयर कर चुके हैं, देखिए दोस्तों फोटो हम लोग शेयर यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, एंड सो आप लोग यहाँ से आप फेस को स्मूथ बहुत ही इजी स्टेप में कर सकते हैं। एंड तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल जरूर करिएगा कि मेरी हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके वीडियो जा सके।